नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि वो श्रेष्ठ नहीं, वो सुटेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें अपनी न जाने कितनी कमियां नजर आती है, अच्छाइयां दिखती ही नहीं। तो ये बड़ी प्यारी सी कहानी, इसको आप पूरा सुनिएगा तो इससे आपका ब्रेन वॉश होगा और अब जैसे है उसी हालात में पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा था और उड़ते उड़ते झील के किनारे गया। झील के पानी में उसने अपने आप को देखा तो काला काला सी चोंच उसकी, काला सा रंग और सामने एक सफेद सफेद हंस तैर रहा था। उसने कहा, हंस कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कितना खुश रहता होगा ये, और एक मैं काला कलूटा। तो सब हंस भाई, हंस भाई जरा इधर आओ, कितने किस्मत वाले हो, कितने वाइट, कितने खूबसूरत लगते हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना। हंस ने बोला, नहीं जरा भी खुश नहीं रहता हूं मैं तो, क्या सफेद सफेद तो कोई कलर ही नहीं है, मुझसे बहुत अच्छा तो तोता है जो डाल पर बैठता है, कभी उसको देखो क्या ग्रीन कलर है और क्या रेड रेड सर्किल है गले में और पीली सी चोंच, क्या बोलता है, क्या आवाज है उसकी, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत खुश रहता होगा। तो कौवा बोला, अच्छा चलो देखते। तोते के पास गया कौवा, कौवे ने तोते से पूछा कि भाई तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्या कलर है, गले में सर्कल है तुम्हारे, तुम्हारी कलरफुल चोंच और कितनी मीठी आवाज है, तो तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना। उसने बोला, नहीं क्या खा खुश रहते, कोई कलर है, एक ही हरा कलर पूरी बॉडी में लगा हुआ और कोई कलर ही नहीं, तो मैं तो जरा भी खुश नहीं हूं और फिर मेरी जो आवाज है इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से क्या है शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं और किसी के घर पर भेज देते हैं और जिंदगी भर हम लोग सजा भोगते रहते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, अगले जन्म में मैं तोता बनना ही नहीं चाहता, मुझसे अच्छा तो मोर है, क्या कलरफुल पंख है उसके, कितने लंबे घने और क्या डांस करता है, और वो तो बड़ा खुश रहता होगा, मोर जब नाचता है ना तो ऐसा लगता है पूरी पूरे जंगल में आनंद की वर्षा हो रही और सब लोग उसको देखते हैं, इतना सुंदर लगता है। तो कौवा उड़ते उड़ते मोर के पास पहुंचा और बोला कि भाई मोर भाई, मोर भाई तुम तो बड़े खूबसूरत और बड़े प्रसन्नचित्त रहते होगे ना, कितने खूबसूरत तुम्हारे पंख हैं, कैसे छा जाते हैं। तो मोर बोला, अरे मुझसे मेरी दुख मत पूछो, ये जो मेरे खूबसूरत पंख है ना इसकी वजह से शिकारी मुझे जान से मार देते हैं, मेरे पंखों को नोच ले जाते और अपनी जान बचाकर मुझे भागना पड़ता है, मैं तो जरा भी सुखी ही नहीं हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। तो फिर कौवे ने पूछा, फिर सुखी कौन है आखिर, कौन ज्यादा खुश रहता है। उसने बोला, शेर जो जंगल का राजा है वो बहुत खुश रहता है, इतना शक्तिशाली लोग उससे डरते हैं। तो कौवा शेर के पास गया, बोले जंगल के राजा आप तो बड़े खुश रहते होंगे, आपका तो जंगल में हुकुम चलता है, आपसे लोग डरते हैं। शेर बोलता है, क्या खाक डरते हैं, जब तक हमारे शरीर में ताकत है हम भागते दौड़ते हैं, शिकार करते हैं, नहीं तो हम भूख से मर जाते हैं, और हमारी खाल उतारने के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमें मारकर अपनी वीरता दिखाने के लिए लोग हमें गोलियां मार देते हैं, इधर उधर से घेर कर मार देते हैं, हमें तो 24 घंटे भी जान बचाकर घूमना पड़ता है। अपनी इस पर्सनैलिटी और इस शक्ति की वजह से ही हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो कौवे ने बोला, फिर आखिर सुखी कौन है, मैं तो न जाने कितने लोगों से बात कर चुका। शेर बोला, सबसे अच्छे तुम हो, तुम्हें ना कोई शिकारी मारता है, ना तुम्हारी आवाज की वजह से कोई जेल में बंद करता है, पिंजरे में बंद करता है, तो तुम तो एकदम मस्त रहते हो। तो कौवे को पहली बार एहसास हुआ, हाँ यार मैं तो एकदम सिक्योर, मुझे ना कोई मारता है, ना मुझे कोई तकलीफ होती है, और वो अपनी हालात से बड़ा खुश हो गया। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि आप जैसे हो, आप उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत खुश महसूस करो, बहुत आनंद में रहो। सबके पास कुछ ना कुछ खतरे हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों की तरफ ध्यान मत दो, आपके पास उन आपके होने से बेनिफिट्स क्या क्या है उधर ध्यान दो, आप हमेशा बहुत खुश रहोगे, जिंदगी को स्वीकार करना सीखो। तो इस कहानी को सुनकर आपको क्या सीखने और समझने को मिला, जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।